फैमिली कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आई एम सॉरी सबसे पहले कि मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। आई एम सॉरी, बहुत लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कि आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। अरे यार क्या बताऊँ, लास्ट के 10 डेज रमज़ान जा रहे हैं, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था और प्लस में ना बहुत टाइम से मैं बिज़ी थी। आप यकीन माने मैं 5 दिन से अपने घर पर हूँ ही नहीं। काफ़ी सारे दावतें थे, अल्हम्दुलिल्लाह दावतें थे, मैं 5 दिन से अपने घर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बैक टू बैक दावत आ रहे थे, मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया प्राइवेसी के रीज़न की वजह से, वो लोग कम्फर्टेबल भी नहीं हो रहे थे और मैंने सोचा कि खैर छोड़ो अब एंजॉय करते हैं दावत, तो मैंने कोई सा भी शूट नहीं किया। थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स जमाए हैं, ये शायद वीडियो के पहले मैं लगा दूंगी। और मेरे हाथों में मैंने लगा ली है मेहंदी, देखिए मैंने कल रात को ही मेहंदी लगाई। यहाँ पर ना दुबई में चांसेस है फ्राइडे हो ईद की या फिर सैटरडे की, तो मैं सोच रही हूँ अगर फ्राइडे आ जाएगा तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा मेहंदी लगाने का। और हर बार ना हम लेडीज़ अपने पूरे काम में सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, ऐसे क्यों? तो मैं इस बार है ना पूरा एक प्लान बनाई हूँ कि ईद के पहले मैंने जो मेरा काम होगा इंपॉर्टेंट मैं वो सारा कर लूँगी। जैसे कि मुझे मेहंदी लगा लेना होगा और मुझे ना ईद का ड्रेस सिलकर मेरा आ गया है और वो इतना अच्छा आया है तो मेरी ईद की ड्रेस ना सिलकर आ गई है और वो तीनों इतनी अच्छी सी है जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसी। मैं प्लान्स नहीं बनाती हूँ बिकॉज प्लान्स बनाती हूँ और वो फेल हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरी ईद की ड्रेस सिलकर आ गई है, तीनों बहुत ही अच्छे से सिल चुके हैं और मैंने उसमें से ना ड्रेस कुछ फाइनल किया है, दिन में कौन सा पहनूंगी, शाम को कौन सा पहनूंगी, दोपहर में कौन सा पहनूंगी, तो वही सब चल रहा था। और आज है ना बहुत एक्साइटिंग डे होने वाला है। ईद देखिए फ्राइडे भी आ सकती है या सैटरडे भी आ सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप स्किन का कुछ पैम्परिंग किया जाए, तो मैंने आज ले लिया है 1 डे ऑफ। मैं आज कोई काम नहीं करने वाली हूँ बिकॉज रहमान ने बोला कि आज सारा कुछ बाहर से आएगा और हम लोग डिनर भी बाहर ही करेंगे, तो मैंने बोला कि चलो सही है, तो इस चीज़ को ना यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि हर बार है ना हम हाउसवाइफ क्या करते हैं, काम पर ही अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, ये बात तो सही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं ना बहुत अच्छा सा ग्लोइंग फेस पैक बनाने वाली हूँ 3 स्टेप के साथ, बहुत ही ईजी होने वाला है, इससे ना आपके चेहरे पर ग्लो आएगा और ईद में आप ही दिखोगे चांद। तो ना मैं बहुत ही फुर्सत से आज बैठ गई हूँ बिकॉज मुझे स्किन पैम्परिंग करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेरा स्ट्रेस मेरे फेस पर दिख रहा है। नींद तो नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है बिकॉज अलीज़ा भी स्मॉल बहुत छोटे हैं ना अभी, तो वो रात सारा पूरा कभी कभी जाग लेती हैं और फिर हम लोग भी जाग रहे हैं, वही सब चल रहा है बस। और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद की तैयारी कैसी चल रही है, शॉपिंग वगैरह आप लोगों ने किया? और आज चलिए हम लोग है ना बढ़िया सा स्किन केयर करते हैं, ठीक है? स्किन केयर में आपके साथ हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करूँगी और बिल्कुल भी आसान तरीके से। अब आप कहाँ जाएंगे पार्लर जाएंगे, पार्लर वाली लेगी एक्स्ट्रा रेट्स, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा फुर्सत से, फुर्सत हमारे पास है नहीं, टाइम भी बहुत कम है बिकॉज ईद भी आने वाली है, ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो उसके लिए ना सब कुछ चीज़ मैं अपने एडवांस सब करके रख रही हूँ। तो आज है ना मैं पार्लर तो नहीं जाऊँगी, मैं घर पर ही जो भी करूँगी घर पर करूँगी, ठीक है? चलिए आइए फेस पैक रेडी करते हैं। तो जो आते हैं फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फेस में ऑयल वगैरह हो तो ये फेस पैक उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, तो आप अपने कोई सा भी फेवरेट फेस वॉश ले लें, फेस वॉश उसको अच्छे से करें। कोशिश ये करेगा कि जब आप वॉश कर रहे हैं तो उसको लुक वार्म वाटर से ही वॉश करिएगा ताकि आपके फेस और अच्छे से क्लीन हो जाए और आपके पोर्स ओपन हो जाए। तो आपको है ना फेस वॉश करना है बहुत अच्छे से। आपका कोई सा फेवरेट फेस वॉश ले लें, मैं कोई सा पर्टिकुलर रिकमेंड नहीं करूँगी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपके पास माइल्ड सोप है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो लेकर आपको अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है। अच्छा जी, तो अब हम बना रहे हैं फेस मसाजिंग क्रीम। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेश थिक कर्ड 1 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको है ना पूरे बॉडी पर लगाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले, मैं सिर्फ फेस के लिए बना रही हूँ तो मैंने 1 टेबल स्पून थिक कर्ड लिया है। इसको हम अच्छे से फेस के ले लेंगे पूरा। अब इसी में तो जी हमारा कर्ड बहुत अच्छे से फिट के हो गया है, दिख रहा है आपको? तो अब इसी में मैं ऐड करूंगी चावल का आटा 1 टेबल स्पून ऐड करिएगा और उसको ना एक अच्छे से पेस्ट के फॉर्म में रेडी कर लीजिए। ये देख रहे हैं आप, एकदम क्रीम के फॉर्म में रेडी हो गया है। अच्छा, आपको अब ऑप्शंस 2 है, ठीक है? अगर आपको एक्ने की शिकायत है तो आप लेमन को अवॉइड कर दीजिएगा, और अगर आपको एक्ने नहीं है, आपके स्किन में बहुत डेड सेल्स है और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लो नहीं है फेस पे, तो आप ना
टू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाल सकते हैं। मैं 2 ड्रॉप लेमन के डाल रही हूँ, और लेमन है ना विटामिन सी में बहुत रिच है, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने। दूसरा, ये भी विटामिन सी में काफ़ी अच्छा है, ये आपके फेस पे ना बहुत अच्छा शाइन लगेगा, तो मैं इसको भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह में आप हनी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दो ड्रॉप लेमन के लिए थे और कुछ 2-3 ड्रॉप्स टोमेटो के लिए थे, तो इसको हम रेडी करके ले लेंगे। ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, अब इसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो अब हम ये फेस मसाजिंग क्रीम लगाने से पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करके इसको हल्का सी नमी रखेंगे, पूरा ड्राई मत करिएगा। तो अब इसको लगाते हैं। अच्छा मैं आपको ये बताते चलूँ कि राइस पाउडर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। ये जैपनीज और कोरियन लोग लगाते हैं, एक्ने स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, और कर्ड का तो आपको फ़ायदे पता ही है। ये आपके स्किन को ब्राइट करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत अच्छा करेगा, और आपके फेस में ना एक अच्छा सा ग्लो टाइप भी लाता है। टोमेटो विटामिन सी में रिच है, अगेन लेमन जूस भी टोमेटो में रिच है। अगर आपको एक्ने है तो लेमन को स्किप करिएगा, लेकिन टोमेटो जूस ज़रूर लगाइएगा। और फिर इसके साथ आप चाहे तो हनी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। इसको लगा के आपको अच्छे से फेस पे खूब अच्छे से मसाज देना है, जितनी देर आप कर सकते हैं उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। मैं रिकमेंड करूँगी 10 मिनट तो आपको अच्छे से फेस में मसाज देना है, और अगर फेस पैक ज़रा सा फेस मसाजिंग क्रीम बच जाए तो आप बॉडी के अलग जगह पार्ट्स में भी लगा सकते हैं। मैं हाथ में और पैर में लगा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ही अच्छे हैं, जब आप यूज़ करेंगे आपको खुद को पता चलेगा। दूसरी तरफ आपको लेना है स्टीम, उसको वॉश नहीं करना है, जो हमने फेस मसाजिंग क्रीम लगाया ना, स्टीम लेना है। स्टीम लेते रहें और उसको फिर इधर भी मसाज करें, इससे ये होगा कि आपके ना स्किन बहुत अच्छे से ओपन पोर्स हो जाएंगे, और आपके जो भी डर्ट वगैरह होगा ना बहुत अच्छे से क्लीन होगा। ये भी आपको 5 मिनट्स करना है, स्टीम लेते जाएं और उसको मसाज देते जाएं, स्टीम लेते जाएं और उसको मसाज देते जाएं। तो जी, अब हम फेस पैक के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये है ना केला है, ये बहुत ही पका हुआ केला लेना है आपको। तो ये बनाना को मैं इसे पूरा अच्छे से मैश कर दूंगी, आप चाहे तो ग्राइंडर की मदद भी यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको बनाने को बहुत अच्छे से मैश करना है, और ये बहुत ईजिली हाथ से ही हो जाएगा, बिकॉज ये काफ़ी ऑलरेडी पका हुआ है, ठीक है। इसको हमको बहुत अच्छे से मैश करके लेना है। जब ये मैश अच्छे से हो जाए, आपको बताती हूँ मैं, आपको डालना है कच्चा दूध, ठीक है। कच्चा दूध हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो इसको डाल दें। इसको आप उप्स गिर गया, कोई नहीं। इसको एक अच्छे से पैक के जैसे तैयार करना है। अब जब दूध अच्छे से मिल जाएगा, हर ब्यूटी का अगर पैक आप रेडी कर रहे हो तो हल्दी के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच ऑफ टर्मरिक, तो हमने ना टर्मरिक ऐड कर देंगे। अब ये हो गई है हमारी पैक तैयार। इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और इसको मेरे फेस में 20 मिनट लगा कर रखना है। ये इतना ग्लो करेगा आपका स्किन। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से फेस पैक को रेडी कर लिया है। आप है ना इसको हैंड्स में भी लगा सकते हैं, नेक पर भी लगा सकते हैं, जहाँ आपको लगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप नहाने जा रहे होते हो ना, तो उसके 10 मिनट पहले लगाएं, तो इसका जो है ना असर भरपूर आपको मिलेगा, और इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब चलिए, आइए इसको भी लगाते हैं। तो चलिए अब लगाते हैं फेस पर। फेस पर लगाने के लिए आपको बहुत अच्छे से सब जगह को कवर करना है, और ये कोशिश करेगा कि आप है ना कहीं भी, अगर आपको जहाँ पर ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा लगाइएगा, और इसको बस 20 मिनट ही आपने लगाना है। अगर 20 मिनट ना हो पाए आप 15 मिनट ज़रूर से लगाइएगा, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे ना आपका फेस इतना ग्लो करेगा, जो पार्लर में भी आपको इतना अच्छा ग्लो नहीं मिलेगा अगर आप पार्लर जाते हो तो। आप ज़रूर ट्राई करिएगा घर पर, और ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेगा आपका, बस आपका हार्डली 25 मिनट लगता है। तो आप ज़रूर से कोशिश करिएगा, और आप यूज़ करने के बाद आपको रेमेडीज़ कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने से, और मैं सबके कमेंट्स को लाइक और हार्ट तो ज़रूर देती हूँ। इस वाले कमेंट्स में भी ज़रूर से दूंगी, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, तो आप लोग ये ट्राई करना ज़रूर। तो मैंने फेस पर बहुत अच्छे से लगा लिया है सारे को, और जो है ना ये जो पैक ज़रा सा बच जाएगा तो मैं हैंड्स एंड लेग्स में फिर से लगाऊंगी। आप चाहे तो नेक पर भी लगा सकते हैं, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगे कि लगाने की ज़रूरत है। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर हैंड्स पर भी लगा रही हूँ। तो
20 मिनट हो गए हैं, मैंने पूरा ड्राई नहीं किया, मैंने हल्की सी नमी रखी थी फेस पैक पर, तो आप भी ऐसे ही करिएगा, ज़्यादा ड्राई नहीं करिएगा। तो मैंने जो हैंड्स में लगाया था, पहले मैं उसको अच्छे से ल्यूक वार्म वाटर के साथ वॉश कर दूंगी, गुनगुने पानी से आपको वॉश करना है याद रखिएगा, तो मैं इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। हाथ को मैंने वॉश कर लिया है, अब आते हैं फेस पर। फेस पर वॉश करने से पहले हल्का सा मसाज दीजिएगा फेस को और उसको अच्छे से रब कर लीजिएगा। तो मसाज देने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से मसाज दे दिया है। अब आती है बारी वॉश करने की, इसको भी मैं ल्यूकवॉर्म वाटर से वॉश कर लूँगी बहुत अच्छे से। तो आप देख रहे हैं मैंने बहुत अच्छे से फेस वॉश कर लिया है और ग्लो देख रहे हैं, ऐसा ग्लो आपको पार्लर में भी नहीं मिलने वाला है, घर बैठे इतना अच्छा ग्लो मिल जाए तो क्या ही बात है ना। और अगर आपके पास वक्त है तो आप हफ्ते में दो बार ये लगाएंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है। तो मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद आपको फेस में दिख रहा है कितना अच्छा, मेरे हैंड्स भी देखे शाइन आ गया है, इंस्टेंट शाइन आ जाता है इससे। और आप कोशिश ज़रूर करिएगा, मुझे 100% पता है ये रेमेडी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तब लास्ट स्टेप ये है, अगर आप कोई सा भी फेस पैक लगाते हैं ना, मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉर्मली कोई सा भी मॉइस्चराइज़र है आप लगा सकते हैं, आपकी कोई सा भी पसंदीदा ले लें। मैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल लगा रही हूँ, कैस्टर ऑयल है ना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके क्या ही फ़ायदे मैं आपको बताऊँ, अगर आप मैं इसके फ़ायदे गिनाते जाऊँ ना तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप कैस्टर ऑयल कोशिश करिएगा, अगर कैस्टर ऑयल नहीं है कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, कोई सा भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, पर मॉइस्चराइज़र लाजिम लगाइएगा क्योंकि इस वक्त ना हमारे पोर्स ओपन हुए होते हैं और उसको है ना मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लगा रही हूँ यहाँ पर फेस पे, काफ़ी अच्छे से लगाऊंगी हर जगह जहाँ पर मैंने लगाया था। मैं यहाँ पर हैंड्स पर भी लगाऊंगी कैस्टर ऑयल, मैं एक्स्ट्रा नहीं ली हूँ कैस्टर ऑयल, बस मैंने 2-3 ड्रॉप लिया था और उसको मैं हैंड्स पर फेस पर ज़रूर से लगा लूँगी ताकि ग्लो और अच्छे से आए। तो मैं होप करती हूँ ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शायद ये वीडियो जब मैं डाल चुकी होंगी तब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे या फिर नहीं हुए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और ईद तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करके देना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।